अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और दो वार्नर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। जेल अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को जहनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी में मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया। ओम सगीरे पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। फैज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज बताइएगा तफसीलात। लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और दो वार्डर्स नौकरी से बरतरफ कर दिए गए। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जेल अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को जहनी मरीज कैदियों के सह में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। आईजी जेल खाना जात पंजाब कत्ल के वाके पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था। इंक्वायरी में इस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जेक्टिव मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया था। 4 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजाज अथॉरिटी ने 30 अगस्त को मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी करके जवाब तलबी की थी। डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट की जाती समात में भी मुलाजमीन पेश हुए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट गैर हाजिर है। रिपोर्ट की रोशनी में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम, ऑफिसर इंचार्ज नफसियाती वार्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल रियाज खान को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। रिपोर्ट की रोशनी में वार्डन नासिर महमूद बारिक इंचार्ज को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। वार्डन अमीर अब्बास बीट ड्यूटी शिफ्ट को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। नायब डिप्टी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट महमूद हसन को 2 साल है। वार्डर वाजिद महमूद को 1 साल सर्विस जब्त करने की सजा भी दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज।